नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पोहा और आलू से बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाने जा रहे हैं। ये उबले हुए आलू हैं। उबले हुए आलू में हम डालेंगे 2 प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, अदरक लहसुन और 1 शिमला मिर्च बारीक काट कर डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को भी इसमें डाल देंगे। प्याज मीडियम साइज़ का लिए थे। अदरक हम यहाँ थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। इन सभी को काट कर हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। अब सूखे मसाले में हम यहाँ डालेंगे काली मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, और हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला पाउडर बिल्कुल थोड़ी सी। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा तीखा करने के लिए और चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे पाव भाजी मसाला 1 बड़ा चम्मच। ये डालने मसाला डालने से हमारा नाश्ता बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनेगा। इन सभी को डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे पोहा। पोहा को हम 2-3 धोकर अच्छे से साफ़ करके इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिए थे चलनी में करके। तो देखिए, ये इसका पानी सारा निकल गया है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इस पोहे को हम इसमें डाल देंगे। और पोहा डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती का इस्तेमाल करेंगे, उसे भी बारीक काट के हम इसमें डाल देंगे। और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर हम 1 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किए थे, आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इन सभी को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम मैदे का घोल तैयार करेंगे। ये 2 बड़े चम्मच मैदा है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हम यहाँ थोड़ा सा ही इस्तेमाल करेंगे, आलू में भी नमक डाले हैं, बस इतना ही नमक हमें डालना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। मैदे की जगह पर आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, उससे भी घोल तैयार हो कर सकते हैं। मेरे पास अभी कॉर्नफ्लोर नहीं था तो हम मैदे का घोल तैयार किए हैं। अब हम हाथों में तेल लगाकर हाथों को चिकना कर लेंगे और तैयार मिश्रण से हम टिकिया बनाएंगे। हाथों को पहले अच्छे से चिकना कर लें। इसके बाद हम तैयार मिश्रण से थोड़ा सा मिश्रण लेके इसे हाथों से अच्छे से पहले गोलाकार बनाएंगे। इसके बाद दोनों हाथों के बीच में रख कर इसे हल्का सा दबाएंगे इस तरह से, और साइड से भी इसे अच्छे से चिकना कर देंगे। इस तरह से हमें इस मिश्रण से टिकिया तैयार करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से आप टिकिया बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा, ये टूटेगा भी नहीं। इसे हम दूसरी शेप में भी बना सकते हैं। मैं इसे आपको एक और शेप में बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरह से हम मिश्रण लेंगे और हथेली के बीच इसे थोड़ा लंबा करके और साइड साइड से हम इसे हल्का हल्का दबा देंगे। तो इस तरह से हमारा एक और आकार बन जाएगा। हम इस तरह दोनों तरह से टिकिया बनाए हैं। देखिए, मिश्रण से इस प्रकार भी बना सकते हैं, ये भी अच्छा दिखता है। इसी प्रकार हम सारे मिश्रण से तैयार कर लेंगे, बनाकर इसे अच्छे से चिकना कर देंगे जिससे ये तलते समय टूटेगा नहीं। देखिए, सारे मिश्रण से हम टिकिया तैयार कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो घोल हम तैयार किए थे उसमें पहले टिकिए को डालेंगे। इसे दोनों साइड से अच्छे से घोल को लगाने के बाद हम ब्रेड क्रम लेंगे, ब्रेड का चूरा लेंगे और इस टिकिए को हम ब्रेड के चूरे पे डालेंगे और इसे अच्छे से ब्रेड के चूरे से अच्छे से कोट कर देंगे। ब्रेड क्रम अच्छे से लगा देंगे, चारों साइड से अच्छे से हमें इसे लगाना है। इस तरह से घुमाकर हम चारों साइड अच्छे से लगा देंगे। इसी तरह से हम सारे टिक्के में ब्रेड क्रम लगाकर पहले रख लेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं सारे टिक्के पर ब्रेड क्रम लगा चुकी हूँ।
ऐसे हम रख देंगे। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें थोड़ा तेल डालेंगे, हमें ज़्यादा तेल का यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम टिकिया डालेंगे, एक साथ ज़्यादा टिकिया नहीं डालेंगे, हम चार ही टिकिया यहाँ पर डालेंगे, जिससे हमारा टिकिया अच्छे से फ्राई होगा। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये टूट भी सकता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कर कर इसे तल लेंगे। अब इसे हम पलट लेते हैं एक साइड से, एक साइड ये हो चुका है। देखिए इस तरह से हम सारी टिकिया को तल लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें, तो ये थोड़ा ही तेल में बनकर नाश्ता तैयार हो जाता है। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया चटपटा कुरकुरा नाश्ता, आलू और पोहे का नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसे मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है, इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। इस तरह से बिल्कुल कुरकुरा ये बना है। अब इसे मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा रही हूँ। ये बाहर से जितना कुरकुरा बना है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम मुलायम है अंदर से। आप एक बार आलू और पोहे का ये चटपटा नाश्ता बनाएंगे तो आपको बार बार इसे बनाने का मन करेगा। तो इसे आप ज़रूर बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक।